दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे से वेलिंगटन के मैदान पर खेला जाना है। बहुत ही रोमांचक होने वाला है यह मुकाबला, लेकिन इस मुकाबले की शुरुआत से पहले 5 बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिनमें टीम इंडिया के लिए 3 बड़ी खुशखबरी है, 2 बुरी खबर है। पांचों ही खबरों के बारे में वन बाई वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हराए, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस टेस्ट सीरीज से पहले भारत और न्यूजीलैंड ने आपस में T20 और ODI फॉर्मेट्स की सीरीज खेली थी, जहां पर T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 5-0 से बहुत ही रोमांचक जीत दर्ज की थी। वहीं वनडे सीरीज में बदला लेते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 3-0 से हराया था। और अब होने वाली यहां पर टेस्ट सीरीज और इस पूरे दौरे की यह निर्णायक सीरीज होने वाली है। पहला टेस्ट मुकाबला 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच वेलिंगटन के मैदान पर भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे से खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले की शुरुआत से पहले 5 बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। चलिए बात करते हैं हम यहां पर वन बाय वन पांचों ही खबरों के बारे में। तो पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही है टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का टेस्ट सीरीज में हमेशा ही बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। पिछली 5 सीरीज की अगर बात की जाए तो 4 सीरीज टीम इंडिया ने जीती है। क्लीन स्वीप से न्यूजीलैंड को पिछली 4 सीरीजों में हराया है। 1 सीरीज में न्यूजीलैंड ने भी क्लीन स्वीप से भारत को हराया है, लेकिन यहां पर आप रिजल्ट्स जो है उनको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड के ऊपर भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा हैवी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी खबर की, तो यह बुरी खबर है वेन्यू को लेकर, वेलिंगटन को लेकर, क्योंकि वेलिंगटन के मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस लगभग हमेशा ही खराब रहा है। वेलिंगटन के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड ने आपस में अभी तक कुल 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से केवल 1 बार ही भारतीय टीम मैच को जीत पाया है, 4 बार न्यूजीलैंड ने जीता है। और जो लास्ट 2 टेस्ट मुकाबले हुए थे वेलिंगटन के मैदान पर, उन दोनों ही टेस्ट मैचों का रिजल्ट ड्रॉ रहा है, यानी वेलिंगटन के जो वेन्यू है जो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए बड़ी दिक्कत बनने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी खबर की, तो यह खबर आ रही है वेदर फोरकास्ट की तरफ से। हालांकि यहां पर वेदर क्लाउडी रहने वाला है, लेकिन वहां पर बारिश की किसी भी प्रकार की अभी तक कोई आशंकाएं नहीं लगाई जा रही है, यानी इस मैच के दौरान हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारतीय टीम की ओपनिंग को लेकर। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इस दौरे की शुरुआत से पहले ही भारतीय टीम के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन इंजर्ड हो गए थे, और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर फिलहाल भारतीय टीम की ओपनिंग का मोर्चा पृथ्वी शो और मयंक अग्रवाल ने संभाल रखा है। लेकिन यहां पर आप सभी को पता है कि वनडे सीरीज के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट मैच में भी इन दोनों ही खिलाड़ियों की ओपनिंग हमें टोटली फ्लॉप नजर आई थी, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऐसा पहले ही साफ कर दिया है कि इस पहले टेस्ट मुकाबले में भारत की तरफ से पृथ्वी शो के साथ मयंक अग्रवाल ही ओपनिंग करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवी खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। आप सभी को पता है कि ऋषभ पंत को अभी तक न्यूजीलैंड के इस पूरे दौरे पर भारत की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है, और यहां पर अब टेस्ट सीरीज में भी ऋषभ पंत की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि बतौर विकेटकीपर रिधिमान साहा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है, और वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाला है, जिसके चलते ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल करना एक बहुत ही कड़ा डिसीजन हो सकता है, यानी ऋषभ पंत को टेस्ट सीरीज में भी भारत की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों ये है वो पांचों बड़ी खबरें जो इस मुकाबले की शुरुआत से पहले निकल कर आ रही है। इन पांचों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.